पता नहीं क्यों ये ब्रेक भी जो है फ्रंट ब्रेक सही से लग नहीं रहा। स्क्रैम्बलर 400 के सेकंड सर्विसिंग में जो है क्या क्या होता है, ये जो लीवर है ये टूट चुका है और नकल कट जो है ये ऐसे अलग हो गया है। एस्टिमेट कॉस्ट कितना आएगा पूरा डिटेल्स बताता हूँ कि कितना खर्चा है यहाँ पे, ठीक है। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो, आई होप योर डे इज ऑलरेडी फाइन। तो भाई साहब, देखते देखते जो है अपने टाइम स्क्रैम्बलर 400 का एक साल पूरा हो गया, राइट। तो भाई अब टाइम आ चुका है उसके सेकंड सर्विसिंग पे देने के लिए। तो मैं सोच रहा था कि आज ही जाऊँ, क्योंकि उसका एक मतलब दो कूपन होता है अपने पास, राइट। एक फर्स्ट सर्विसिंग का कूपन होता है, एक सेकंड सर्विसिंग का कूपन होता है। तो मैं ये सोच रहा था कि आज ही चला जाता हूँ। वैसे मेरा ऑफिस है तो मैं पहले सर्विस सेंटर में जाऊँगा, बाइक छोड़ूंगा वहाँ पे, फिर वापस ऑफिस जाऊंगा, फिर हो सकता है कल मैं बाइक पिकअप करूँ, राइट। तो चलो लेट नहीं करते, बाइक पे चलते हैं। तो चलते चलते बात करते हैं, और आपको पता है कि लास्ट राइड पे क्या हुआ था मेरे साथ, तो कुछ टूट फूट भी गया था बाइक पे, है ना। तो चलो फिर निकलते हैं, बाकी बातें चलते चलते करते हैं, लेट्स गो। सो निकल चुके भाई लोग, तो देखो कुछ ऐसा हालत है अपने बाइक का। रुको एक बार मैं ना फ़ोन से दिखा देता हूँ, अच्छे से दिखेगा आप लोग को। ये देखो ऐसा कुछ हालत है, देख रहे हो कितना गंदा है बाइक, कितना ज़्यादा ही गंदा है। लास्ट राइड पे गया था ना, पूरा कीचड़ वीचड़ लगा हुआ है। और अगर देखोगे पीछे साइड का, ये देखो, देख रहे हो अलग लेवल की गंदगी है भाई। इतना ज़्यादा मतलब लग रहा है कि स्क्रैम्बलर है, ये हालत हुआ है लास्ट राइड के बाद, ठीक है। और जो अपना वो क्रैश हुआ था ना, मतलब बाइक जो गिर गई थी उसके वजह से जो हुआ है वो सीन है अपना ये। ये देखो ये जो लीवर है ये टूट चुका है और नकल कट जो है ये ऐसे अलग हो गया है, ठीक है। और वो भाई जो बाइक लेके गिरा था उसके वजह से यहाँ पे जो है ऐसा एक रस्टिंग स्टार्ट हो गया था, क्योंकि ये कलर निकल गई थी और बरसात के मौसम है ना। तो अब मैं सोच रहा हूँ कि क्या करूँगा, इसको भी चेंज करूँगा, नकल कट तो चेंज होना ही है, हैंडल बार भी चेंज करना है, और देखता हूँ इस चीज़ का क्या किया जाए। अगर चेंज पूरा हो पाए तो इट्स फाइन, विल चेंज इट। देन बस यही है मोटा मोटा सा कुछ काम, बाकी तो सेकंड सर्विसिंग में जो जो चीज़ें होना है वो तो होना ही है। चलो फिर लेट ना करके फटाफट निकलते हैं और देखता हूँ। प्लान है कि अगर हो पाए तो ये मडगार्ड भी चेंज कराऊंगा, क्योंकि यहाँ पे ये लाइन बन गई थी, है ना। तो देखते हैं, चलो फिर लेट ना करके निकलते हैं। बाकी कितना खर्चा आता है, क्या होता है, बाकी सब डिटेल्स जो है इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है, अपने स्क्रैम्बलर 400 का सेकंड सर्विसिंग के सारे खर्चे। चलो फिर निकलते हैं। तो आज ही जो है लास्ट डेट था अपना ये सर्विस कूपन का, मतलब सेकंड सर्विस कूपन का। प्रॉब्लम ये हो गया ना, ये फॉल के बाद पता नहीं क्यों ये ब्रेक भी जो है फ्रंट ब्रेक सही से लग नहीं रहा, देख सकते हो आप लोग। मैं यहाँ पे दबा रहा हूँ, कोई ग्रिप नहीं है ब्रेक का, और हैंडल भी थोड़ा सा मुझे टेढ़ा लग रहा है राइट साइड में, और गियर लिवर तो टूटा ही है, उसके वजह से ये थोड़ा सा नीचे के साइड जो है बेंड हो गया है। तो ये सारे चीज़ें फिक्स होनी है आज। तो सेकेंड सर्विसिंग में नॉर्मल जो खर्चा आता है उससे ज़्यादा ही खर्चा होने वाला है मेरा। और पता है मैं एक और क्या चीज़ सोच रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ कि इस बार ना मैं ये नकल कट जो है निकाल दूंगा। इसलिए निकाल दूंगा ना क्योंकि देखो ये किसी काम का नहीं है, ठीक है। तुमने देखा मतलब लास्ट वीडियो में जो मेरे साथ हुआ, नॉर्मल सी खड़ी खड़ी बाइक गिर गई तो उसके वजह से जो है ये टूट गया, क्योंकि ये भाई प्लास्टिक का है। और मैं सोच रहा हूँ कि इस बार ना इनको बोल दूंगा कि भाई आप इसको निकाल दो, मुझे ज़रूरत नहीं है इसका, उसके बदले में मैं जो है बगबस्टर्स लगा लूँगा। तो एटलीस्ट वो इस चीज़ को प्रोटेक्ट तो करेगा, ये लीवर टूटेगा तो नहीं। नॉर्मली बाइक गिरने से भी आपको ज़्यादा चोट लग सकता है, ये टूट टाट के अगर कहीं आपके हाथों में चोट लग गई ना वो और मुसीबत हो सकता है। तो बेहतर यही होगा मैं इसको निकाल दूँ और बगबस्टर्स लगा दूँ, देखते हैं क्या होता है। वैसे अगर मैं अपनी बाइक की बात करूँ ना तो एज सच मुझे कुछ प्रॉब्लम जो है नहीं लगता है चलाते हुए इसको, कोई ऐसा कुछ मेजर इशू नहीं है जिसके लिए मुझे लगे कि ये बोलना ज़रूरी है। क्योंकि ब्रेकिंग का जो इशू स्टार्टिंग में था वो मैं रिजॉल्व कर लिया था अपना सिंटर्ड लगा के, तो उसका कोई इशू नहीं है। तो एवरीथिंग इज़ नॉर्मल, एवरीथिंग इज़ फाइन, गोइंग स्मूथ, चलने में कोई दिक्कत नहीं है। बट वही छोटे मोटे चीज़ें जो है वही होगा जो भी होता होगा इनके सेकंड सर्विसिंग के अंदर। तो आज के वीडियो में ये चीज़ भी शेयर कर दूंगा आप लोगों से
कि स्क्रैम्बलर 400 के सेकंड सर्विसिंग में जो है क्या क्या होता है, कौन कौन सा चीज़ है जो कवर होता है। तो भाई मोटा मोटी सीन ये है ना, आज का जो खर्चा है वो थोड़ा ज़्यादा ही मोटा खर्चा आने वाला है, ऐसा मुझे महसूस हो रहा है क्योंकि इतने सारे एक्स्ट्रा चीज़ कराना है ना मुझे, तो मेरा एक्सपेक्टेशन ये है कि नॉर्मल सर्विसिंग सेकंड सर्विसिंग का जो कॉस्ट है ना वो अराउंड 5-6 हज़ार के अंदर होना चाहिए। मुझे कोई आइडिया नहीं है बट ऐसा मैं एज्यूम कर रहा हूँ। बट ये एक्स्ट्रा जो चीज़ें मेरे साथ ऐड होने वाला है ना, ये नकल गार्ड वगैरह, ब्रेक लीवर वगैरह, तो इसके वजह से जो है मेरा खर्चा होने वाला है थोड़ा सा ज़्यादा। बाकी तो भाई बहुत इन्जॉय किया मैंने लास्ट एक साल से इस बाइक को, इसकी पुल वगैरह बस अमेजिंग है, देखो बस। और ऐसा खींचता है ना आपको मतलब पता चलता है कि भाई पावर तो है बाइक के अंदर, जो भी सिंगल सिलेंडर हो भाई 400 सीसी है तो पावर तो है इंजन में, टॉर्क तो है भाई। देखते देखते जो है मैं ऑलमोस्ट आ ही चुका हूँ, ये रहा क्या वो रहा अपना ट्रायम्फ, चलो चलते भाई क्या सीन रहता है आज का। प्रॉब्लम ऐसा सच कुछ नहीं है नॉर्मल चलाने में, बट जो चीज़ करना है मुझे ये चेंज करना है, ये टूट गया है ये नकल गार्ड और लीवर, ये चेंज होगा। और एक बात बता दो, ये जो पोर्शन है ना ये नकल गार्ड के साथ आता है, अगर मान लो मैं ये रिमूव कर दिया तो ये हिस्सा निकल जाएगा क्या? ये रिमूव हो जाएगा ना, तो दोनों नकल गार्ड रिमूव भी कर देना, हाँ दोनों नकल गार्ड रिमूव कर देना, लगाने की ज़रूरत नहीं है ठीक है। और बाकी तो ये चेंज होना है लीवर ठीक है, बाकी ऐसा कुछ मेजर प्रॉब्लम नहीं है। क्या क्या होता है सेकंड सर्विसिंग में? ऑयल फिल्टर ओवरिंग, चेन क्लीन, वॉशिंग, पंचर मोबाइल चार्ज, फ्री सर्विस में। तो ब्रेक पैड एंड ऑल ये सब कुछ नहीं होता है, क्लीन करेगा बस। एस्टीमेट कॉस्ट कितना आएगा? इवनिंग में लगा गाड़ी, इवनिंग में कल आके ले लूँगा, कल मॉर्निंग में ठीक है ना? कॉलेज रहते ये नंबर पर कॉल। ठीक है ओके थैंक यू। One eternity later. So guys, this is the next day morning. तो मैं अभी जा रहा हूँ अपना बाइक का डिलीवरी लेने, मेरे साथ फ्रेंड्स भी जा रही है। और अभी प्रॉब्लम पता क्या हुआ, ये जो GoPro का क्लैंप है ना ये जो है यहाँ से टूट चुका है, तो किसी तरह से जुगाड़ लगा के फेविक्विक लगा रखा है, पता नहीं मोटो ब्लॉग हो पाएगा कि नहीं, बट देखना पड़ेगा। अगर डर बहुत लग रहा है क्योंकि ये जो है ना मतलब इतना ट्रस्ट नहीं कर सकते, और भाई चलता अगर कैमरा गिर गया तो भाई क्या 40,000 क्या तुरंत। तो चलो देखते हैं, पहले पहुँचते हैं शोरूम पे, फिर सारा डिटेल शेयर करता हूँ कितना खर्चा आया, क्या क्या काम करा है। तो देख सकते हो एकदम चमक गया बाइक अपना। प्रॉब्लम ये हो गया, मोटो ब्लॉग मैं कर नहीं पाऊँगा क्योंकि जो GoPro है वो टूट चुका है जैसे बताया मैंने, तो मैंने कोशिश किया था लगाने का बट हो नहीं पाया। देख सकते हो मस्त चमक गया बाइक, पूरा एकदम नया हो गया है। और फाइनली मैं जो ये जो नकल गार्ड थे जो टूट गया था तो उसको मैंने पूरा निकाल दिया है, तो यहाँ पर मैं बकबस्टर जो है लगाने वाला हूँ। बाकी तो बाकी सब एकदम चमक गया मस्त है। तो अभी एक काम करते हैं, यहाँ से घर चलते हैं, घर जाके बाकी डिटेल्स जो है वो कंटिन्यू करता हूँ और पूरा डिटेल्स बताता हूँ कि कितना खर्चा है यहाँ पे ठीक है। चलो फिर निकलते हैं। हाँ गाइज, तो मैं आ चुका हूँ वापस अपने सर्विसिंग के बाद, और बहुत अच्छा रहा आज मेरा जो एक्सपीरियंस था सर्विस एक्सपीरियंस। तो मतलब वैसे तो एक दिन में उन्होंने दे दिया था, बहुत जल्दी काम किया उन्होंने, मैं 10:30 बाइक दिया था तो ऑलमोस्ट अराउंड 3:30-4 उन्होंने कॉल कर दिया था मुझे कि बाइक रेडी हो चुका है। बट आप लोग को पता है मैंने 2 दिन लिया था क्योंकि मेरा टाइम नहीं था, ऑफिस गया था मैं, दूसरे दिन जाके जो है मैंने डिलीवरी लिया ठीक है। तो चलो और लेट ना करके ना, जिसके लिए आप लोग इतने देर से वेट कर रहे हो कि कितना चार्जेस लगा, क्या क्या काम हुआ अपने सेकेंड सर्विसिंग के अंदर अपने ट्रैम्प स्क्रैम्बलर 400X में, वो चीज़ें शेयर करते हैं आप लोगों से ठीक है। तो ये रहा पीछे अपना जो इनवॉइस रखा है आज के सर्विस का। तो सही बताऊँ तो बहुत ज़्यादा कुछ अमाउंट नहीं है, बहुत कम भी नहीं है, क्योंकि नॉर्मल जो सर्विसिंग में कॉस्ट आता है ना ट्रैम का स्क्रैम्बलर का, मेरे को थोड़ा सा ज़्यादा लगा है। अब क्यों ज़्यादा लगा है वो चीज़ें मैं शेयर करूँगा आप लोगों से ठीक है।
तो पहले एक काम करते हैं, एक एक करके सारा जो अलग अलग चार्जेस है वो बता देते हैं कि क्या क्या चीज़ें हुआ है, ठीक है। तो पहले जो है वो है अपना प्रोल्यूब 10W50, आई गेस 2 लीटर लगा है, ये 1712 रुपये का, आई गेस ये इंजन ऑयल है शायद, ठीक है। तो सेकेंड जो चार्जेस है वो है अपना ट्रायम्फ पीरियडिक सर्विस किट, जिसके लिए लगा है अपना 638 रुपीज़, ठीक है। और तीसरा लगा है अपना WD-40 का, जो कि रास्टिंग के लिए स्प्रे होता है, तो उसके लिए लगा है अपना 80 रुपीज़, ठीक है। ये है कुछ छोटे मोटे खर्चे, बाकी लगा है अपना चेन ल्यूब्रिकेंट, चेन ल्यूब होता है, जिसके लिए लगा है 153 रुपीज़, ठीक है। उसके बाद एक चीज़ जो मुझे लगा है ना, जो कि अपना ब्रेक पैड जो मैंने सिंटर्ड वाला लगा रखा था, वो ब्रेक पैड भी मैंने चेंज करा लिया है, उसके लिए चार्जेस आया है अपना 2776 रुपीज़, ठीक है। ब्रेक पैड का ओनली फ्रंट ब्रेक पैड, दोनों मैंने नहीं करा है, पीछे जो ओरिजिनल वाला है वही है, ठीक है। उसके बाद आप लोग को पता है मेरा जो है ब्रेक लीवर टूट गया था लास्ट राइड पे एक फॉल होके, तो वो ब्रेक लीवर भी मेरा चेंज हुआ है, उसके लिए चार्जेस लगा है अपना 453 रुपीज़, ठीक है। फिर एक लगा है कैप एंड आई गेस जो हैंडल बार और नकल गार्ड का जो एक नट होता है ना बाहर, हैंडल के बाहर जो रहता है, दैट इज़ कॉल्ड कैप एंड, तो उसके लिए लगा है अपना 63 रुपीज़, ठीक है। बाकी उसके बाद लगा है कूलेंट के लिए, जो रेडिएटर कूलेंट होता है वो चेंजेस हुआ है, उसके लिए बहुत ज़्यादा नहीं है, 71 रुपीज़, ठीक है। तो ये हो गया टोटल जो चेंजेस बाइक के अंदर हुआ है, ठीक है। तो उसके लिए अपना चार्जेस हो गया 5948 रुपीज़, ठीक है। उसके बाद बाकी जो लेबर चार्जेस है कुछ, ठीक है, जो कि चेन ल्यूब का, कंज्यूमेबल का, बाकी ये और ग्रीसिंग वगैरह, ऑयलिंग वगैरह, ये सारी चीज़ें, तो ये सारे जो लेबर चार्जेस है सारे के सारे अगर आप स्टार्टिंग से देखें, चेन ल्यूब के लिए 177 रुपीज़, कंज्यूमेबल के लिए 177 रुपीज़, ऐसे ऐसे करके सारा जो लेबर चार्जेस एंड GST ऑल वगैरह है वो सब मिला के जो फाइनल प्राइस मेरा आ रहा है, ठीक है, वो फाइनल प्राइस मेरा है 6895 रुपीज़, ठीक है। ये है अपना फाइनल बिल ट्रायम्फ स्क्रैम्बलर 400X का सेकेंड सर्विसिंग का, ठीक है। तो एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि यहाँ पे कुछ चीज़ें चार्जेस मेरे लिए ज़्यादा है, जो कि है एक ब्रेक पैड मैंने चेंज कराया, वो मैंने कराया, वो नॉर्मली नहीं होना चाहिए, अगर ज़रूरत ना हो तो वो भी आपका बच सकता है, जो कि है 2776 रुपीज़ का, ठीक है। और मेरा जो ब्रेक लीवर टूटा था, ये सारे जो 453 रुपीज़ का, तो ये दो एक दो जो सामान है ये आपका नहीं हो सकता है, तो आपके लिए चार्जेस जो है और कम हो जाएगा, ठीक है। तो मेरे हिसाब से आपके लिए जो चार्जेस होना चाहिए वो अराउंड 3.5 to 4,000 के अंदर सेकेंड सर्विसिंग जो है अपना ट्रायम्फ का कंप्लीट हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। तो ये था, अगर मैं अपना पर्सनल व्यू बताऊं, ठीक है, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव सर्विस नहीं है एक ट्रायम्फ मोटरसाइकिल, अगर आप यूज़ कर रहे हो उसके हिसाब से अगर देखा जाए, बहुत ही मिनिमल चार्जेस है, इट्स वेरी वेरी मिनिमल, ठीक है। बाकी चीज़ों का भी इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव प्राइस नहीं है। तो यही था, आप लोगों से शेयर करना था कि कितना ज़्यादा चार्जेस आता है या फिर कितना कम आता है जो अपना सेकेंड सर्विसिंग है ट्रायम्फ स्क्रैम्बलर 400X का। तो आई होप कि वीडियो जो है आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी एक लाइक ज़रूर से करना, चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो ज़रूर ज़रूर से सब्सक्राइब करना, और कमेंट सेक्शन में बताना ज़रूर मत भूलना कि अगर आपको कोई सवाल है, ठीक है, मैं सारा कमेंट पढ़ता हूँ, रिस्पॉन्ड भी कर देता हूँ आप लोगों को। और एक और चीज़, मेरे एक व्हाट्सएप ग्रुप का जो लिंक है, जो मेरा राइडिंग कम्युनिटी है, वहाँ पे अगर आपको जुड़ना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मैं दे देता हूँ, वहाँ पे आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। तो हम लोग कभी कभी राइड करते रहते हैं, बहुत सारे राइड्स का अपडेट वहाँ पे आपको मिलते रहता है, ठीक है। आप अगर राइडिंग पार्टनर्स ढूंढ रहे हो तो बहुत अच्छा है आपके लिए, आप आराम से आ सकते हो, डिस्कस करते हैं, हम इन्जॉय भी करते हैं ग्रुप के अंदर। फटाफट जाओ, लिंक पर ज्वाइन करो, और आगे की राइड में अगर आपको ज्वाइन करना है हमारे साथ, ठीक है। और साथ ही साथ मेरा जो इंस्टाग्राम प्रोफाइल है वहाँ पे भी जाके एक बार फॉलो कर लो, क्योंकि उसको भी हमें आगे बढ़ाना है ना। तो उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा मैं, हैंडल आ रहा होगा अपने स्क्रीन पे, तो जाके फॉलो कर लो, ठीक है। तो आई होप कि वीडियो अच्छी लगी, तो चलो फिर ऐसे ही किसी और वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आई होप कि आप लोग सब अच्छे रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे और राइड करते रहेंगे, ठीक है। तो चलो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो पे, टिल देन दिस इज एनी
साइनिंग ऑफ।